यहाँ से जो है ना रेड है और यहाँ पे जाता जाता आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक हो जाता है चेक इतना पेस है और ये जो है ना पूरे बाइक पे आ जाएगा इंशाल्लाह। माशाल्लाह से इस कलर की जो वो है ना शाइन और इस तरह लगता है कि रैप नहीं है पेंट हुआ है ठीक है टैंकी के साथ मैच। इसके अंदर बिल्कुल काले काले छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, आप फिनिशिंग खाली देख के ना खुश हो जाएंगे आप। अस्सलाम वालेकुम जी भाइयों, क्या हाल चाल है सब भाइयों का? ठीक ठाक और मज़े में सब भाई। सीन्स आज के इस तरह के हैं कि आज जो ब्रीटा हमारा है रैप गेम जोन होंगी आज वाले व्लॉग में, लेकिन आज जो ब्रीटा हमारा वो इंशाल्लाह चेंज कर देंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। सुबह के 11 हो रहे हैं ठीक है, सुबह सुबह टाइम है, जुमे का दिन है और मैं पहले रैप करवाऊँगा, सुबह जुमा पढ़ने के लिए जाऊँगा। इस रैप को मैंने अभी अनरैप करना था। कुछ भाइयों के क्वेश्चन थे कि जैन भाई रैप करने से बाइक आपका इतना अच्छे से रैप है, तो रैप जब आप उतारेंगे तो कलर नहीं उतरेगा। कलर का मैं आपको बता दूँ, रैप का ये सीन होता है ना कि अगर तो आपके बाइक का जेन्युइन कलर है ठीक है, जेन्युइन टैंक फिट आते हैं आपके बाइक के, तो फिर आप बेशक रैप जितना मर्जी अर्सा करें उतारेंगे तो रैप जो है ना वो कलर को कुछ भी नहीं होगा। अगर आपका बाइक जो है वो देसी टैंकी टापे लगे हुए हैं ठीक है, आफ्टर मार्केट टैंकी टापे लगे हुए हैं, तो वो आप उतारेंगे जब ठीक है रैप उसके ऊपर से, तो फिर वो कलर भी साथ आ जाएगा टैंकी का। बाकी जैनवन पे कोई इशू नहीं होता ठीक है, आप जितना मर्जी अर्सा लगा ही रखें। इसको अभी उतार के मैं आपको चेक करवाता हूँ, वैसे दिल तो नहीं कर रहा, साफ़ सुथरा लग रहा है, लेकिन चलो उतारते हैं, उतारना पड़ेगा इंशाल्लाह। मैं अभी लेट हूँ थोड़ा सा ठीक है, वहाँ पर चल के बाकी आपको मैं स्टोरी समझाता हूँ क्या होता है क्या नहीं, चीज़ें वगैरह साथ करते हैं। चलें जी शहजादे को निकालते हैं, ग्लोक जो है वो कवर हुआ फुल टाइम ठीक है, इसको आप निकालते हैं चलते हैं, और बारिश का थोड़ा सा मौसम है। टंकी आ गई, ये टापे आ, टापा किस तरह करना है, एक ये वाला किस तरह आधा, अब आधा आधा ब्लैक आधा रेड आधा ब्लैक, अब इस तरह है आप शुरू से ब्लैक हो इधर जाते हैं रेड हो एंड पे। अच्छा शॉप पे आ चुके हैं जी, जहाँ से ग्लॉक रैप करवाया था ठीक है स्टिकर प्लैनेट पे, और जो रैप मैं आपको कह रहा था कि प्रिंट मैंने निकलवाया है, तकरीबन 24 घंटे लगे इसको, तो ये चेक करें जी, ये डबल शेडेड रैप है ठीक है, अगर यहाँ से जो है ना रेड है और यहाँ पे जाता जाता आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक हो जाता है इंशाल्लाह, बड़ा मज़े का लगेगा ये रैप होगा ठीक है। उसके बाद एक दो फनकारी और मारनी है इसके ऊपर तो ज़बरदस्त लगेगा। आज तक किसी भी बंदे ने ना अपने बाइक पे ऐसा रैप नहीं करवाया, मैंने कहा चलो ठीक करते हैं कोई डिफरेंट करते हैं ठीक है, जो इंशाल्लाह आपको पसंद आए और मुझे खुद पसंद आए, ये बड़ा सोच समझ के रैप डिसाइड किया है, क्योंकि ये जो सारे रैप है ना ये वाई पी आर भी सूट कर जाते हैं ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा चॉइस थी मेरे पास। या कुछ भाई कहते हैं जैन भाई के कलर तो नहीं उतरता, तो ये चेक करें, तकरीबन साल हो गया मैंने रैप करवाया ठीक है, तो कलर का कोई इशू नहीं आता जैनवन टेंगी टापे पे, शाइन शाइन चेक करो अपने व्यूअर्स को शाइन चेक करें। अब जिस तरह पहले दिन था ना सेम उसी तरह शाइन और शाइन है, चेक करें जी बिल्कुल साफ़ सुथरी वैसी की वैसी टंकी निकली है नीचे से, टापों की शेट अभी उतर रही है फिर उसकी उतरी हुई है मेरे ख्याल में, इसकी एक किसी एक की उतारी थी बहुत पहले, इतने नए आपके भाई ने टापे रखे हैं बाइक के शेट जो है ना वो भी उतर रही है, पहले प्रिंट हुआ है उसके बाद जो बाइक की शीट होती है लेमिनेशन वाली ठीक है वाइट कलर की सिंपल, उसके बाद इसके ऊपर ये वो वाली लेमिनेशन हुई है, सही है इंशाल्लाह। आपको जो है ना जो पिछली बार लास्ट टाइम जब ग्लोक के रैप करवाया था तो जो सिनेमैटिक्स बनाए थे ना वो सिनेमैटिक्स भी आपको बना के चेक करवाएंगे, मूछ उतर आएगी साथ ही, मूछ टूट गई है जाने दोस्त, ये टूट ही उतरेगी वो होंडा भी उतरेगा। मैंने पूरा बाइक इस बार रैप करवाना है, कान टैंकी टापे और कावल ठीक है, टेल जो होती है इसकी फ्रंट से रेड लाइन है, यहाँ से रेड लाइन और यहाँ से आहिस्ता आहिस्ता आता आता ब्लैक हो जाए। अभी आप सिनेमैटिक्स का इंतज़ार कर रहे होगे, बस ये मैं कुछ डिटेल्स आपको बता दूँगा, तो उसके बाद जो है ना सिनेमैटिक्स अपने ऑन करते हैं, जैसे रैप स्टार्ट होगा तो उसके बाद अपने हम सिनेमैटिक्स ऑन कर देंगे ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मैं आपको रिव्यूज़ दूँगा एंड पे कि रैप किस तरह का हुआ है, आपको याद है ग्लोक का रैप हुआ था बड़ा मज़ा आया था, बड़ा सेटिस्फाई हुआ था उस टाइम आपका भाई,
तो रैप आप लोगों को पसंद भी बड़ा आया ग्लोक का, तो इंशाल्लाह इस बार भी आपको ये रैप इसी तरह पसंद आएगा। एहसन भाई जो हैं वो दबो दब लगे हुए हैं, ठीक है रैप चल रहा है, चेक करें यहाँ तक अब टैंकी पहुँच गई है। और ये जो मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था एक बार ग्लॉक के जब मैंने रैप करवाया था, ये जो सारे रैप है ना ये इसी शॉप पे हुए हैं स्टिकर प्लानेट पे, ठीक है किसी भी किस्म का रैप चाहिए तो ये चेक कर सकते हैं, अवेलेबल है। इसके अलावा भी मेरे ख्याल में तो चाहिए तो वो भी अरेंज हो जाएगा, आप अपने मर्ज़ी का डिज़ाइन जो है ना स्टिकर जो अगर आपने निकलवाना है तो आप अपनी मर्जी का डिज़ाइन ला सकते हैं, तो स्टिकर निकलेगा कोई इशू भी नहीं है, ठीक है। माशाल्लाह से टंकी की जो मुझे लुक नज़र आ रही है मुझे लग रहा है कि बड़ा मज़ेदार काम होगा। लगता है कि रैप नहीं है पेंट हुआ है, ठीक है बाकी इस तरह लगता है। मैं आपको फ्लैश ऑन करके चेक करवाता हूँ, ये चेक है ये तो पॉलिश है वो होगी ना, हाँ ज़रा दूर से जाके देखते हैं कि किस तरह का लग रहा है। तो मैं कहता हूँ इतना मज़ा करवा रहा है, अभी खाली टंकी हुई है अभी भी, अब जब काबल टापे शापे सब चीज़ें डन होंगी तो ज़बरदस्त लगेगा। स्टिकर्स वगैरह जो है ना वो कट हो गए हैं, स्टिकर नहीं मार्का इसका होंडा का, फिनिशिंग खाली आप चेक करें कितनी खूबसूरत फिनिशिंग हुई है, ऊपर से रैप जो है वो इतना प्यारा लग रहा है, लग रहा है कि ओरिजिनल पेंट है। ये आपके भाई ने पूरा एक दिन लगाया रैप सर्च मारते हुए कि कैसा रैप करवाना चाहिए, फिर मुझे जहन में आया कि फेडेड रैप करवाते हैं, आज तक किसी ने अपने भाई को बेशक भाई बी आर हो जाए 70 हो जाए नहीं करवाया, तो 101 हो जाएगा और यूनिक हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ये भी ट्रेंडिंग में जाएगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भाई कह रहे थे कि जैन भाई आपका वेट कर रहे हैं आप रैप चेंज करवाओ वरना हमने हाफ ब्लैक करवाना है, बस आपका वेट कर रहे हैं आप चेंज करवाओगे हम करवाएंगे। मैंने कहा चलो चेंज करते हैं, वैसे मैंने आगे लेके जाना था तकरीबन 10 मरहम के बाद, ठीक है 10 मरहम के बाद मैंने रैप चेंज करवाना था, लेकिन इतने इंस्टा पे मैसेज आपके कि जैन भाई चेंज करवाओ हमने भी करवाना है वेट कर रहे हैं आपका। मैंने कहा चलो करते हैं इसको, टंकी जो है वो डन हो गई है बिल्कुल बड़े परफेक्ट हुई है, मैं कहता हूँ इतने मज़े की फिनिशिंग, और अब जो है ना वो टापा डन हो रहा है, ठीक है यहाँ से ऑरेंज शेड होगा एंड पे जाते जाते ब्लैक हो जाएगा। काफ़ी भाई आए हैं जब मैंने ग्लोक का रैप करवाया था इस शॉप पे स्टिकर प्लेनेट पे रैप करवाने के लिए, अब लोकेशन की मैं आपको बताता हूँ और सारा सीन आपको समझाता हूँ। लोकेशन वैसे तो मैं बता चुका हूँ पहले ब्लॉग में भी, लेकिन आप फिर से बता रहा हूँ कि स्टिकर प्लेनेट जो है ना ये रावलपिंडी में ना वारिस खान है ना सदर वाली साइड से आते हुए ना वारिस खान जो आते हैं ना वहाँ से लेफ्ट हो जाना है, ठीक है आपने न्यू पार्क ट्रेडिंग है, ठीक है यहाँ पे और वहाँ से सीधे आगे आएंगे ये आगे आपको स्टिकर्स प्लानिंग मिल जाएगा। मैं जो कंप्लीट एड्रेस है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल जाएगा आपको, ठीक है आप रब्ता करके आ सकते हैं किसी भी टाइप का आपने रैप करवाना है, तो फिनिशिंग बाकी काम आपके सामने ही है, पास से भी देखेंगे ना फिनिशिंग आपके सामने है चेक करें, बिल्कुल कोई बबल वाला सीन ही नहीं है। ये कार्ड है ठीक है इस पर पूरा एड्रेस भी आपको चेक कर सकते हैं लिखा हुआ है, सही है और ये इस नंबर पे आपने कॉल नहीं करनी ये बंद है, ये वाला नंबर है ठीक है ताबिश भाई का, इस पर कॉल करके आप आ सकते हैं बाकी डिटेल जो है वो आप ले सकते हैं। अब आप खाली इस टापे की फिनिशिंग चेक करें, ठीक है कहीं से भी बता दें कि ये रैप है, इतना खूबसूरत टापा फिनिशिंग इतने मज़े की ये आपके सामने। ये जो फ्रंट वाली लुक है ये भी हमने चेंज करनी है, ये उतार देते हैं ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अरसा हो गया इसको लगे हुए, ठीक है ये आज तक मैंने चेंज नहीं किया। हैसन भाई लगे हुए टापे शापे कर रहे हैं, बैक टेल चेक करें इसके अंदर ना बड़े प्यारे से ना काले काले छोटे छोटे स्पॉट्स हैं, मैं आपको चेक करवाता हूँ
ज़रा जूम करके चेक करें, इसके अंदर बिल्कुल काले काले छोटे छोटे स्पॉट्स हैं जो कि बड़े खूबसूरत लगते हैं, इतने प्यारे। चाचू पता लगना रह पाया जो बंदा यहाँ से गुजर रहा है ना, ठीक है, वो कह रहा है पजान रंग की थी ने टंकी टापे मजेदार। अब ये मैंने स्टिकर अंदर से ना निकाल लेनी है, अभी वजह ये है कि ये आपको हो सकता है इसी ब्लॉग के एंड में बता दूं या नेक्स्ट ब्लॉग के लिए सरप्राइज रखूं। ये भी जैसा कि ब्लॉग पे हमने बेस लगाई थी ब्लैक ताकि ये जो रैप है एकदम पक्का हो जाए, तो अच्छे मामलात आ रहे हैं, लेवल के मामलात आ रहे हैं। अब इस पर बंदे पता है क्या करना है, बस है, ये रह गए ग्लासी वगैरह और कान वगैरह रह गया। खांसियाँ जो हैं वो तकरीबन हो गई हैं और आपके भाई को भूख लगी थी, मैंने कहा चलो पास शॉप थी मैं ये पकड़ लिया, बस पेट पूजा करते हैं, ये चेक करें ऐसन भाई लगे हैं तो बहुत। आप अभी आए हैं कान वगैरह खोल रहे हैं, ठीक है, इसके बहुत लंबा काम होता है, खपत वाला काम जो कान खोलने वाला है। अब ये जो कान है ना, ठीक है, जो हेडलाइट के साथ होते हैं, ये देसी लगे हुए हैं मेरे बाइक पे, जो जेन्युइन कान है वो इसके घर पड़े हैं, ठीक है। तो अब इसको जो है ना हम करते हैं रैप उतारते हैं, देखते हैं इस पे से कलर उतरेगा कि नहीं। क्या बस साल मुझे कंप्लीट हो गया है, टेंकी का जो ढक्कन होता है वो भी मैंने करवा दिया है, अब स्टिकर यहाँ से पता करना, स्टिकर भी मैं ले जाऊँगा लेकिन ब्लॉग में उससे पहले एंड कर दूँगा, आप टेंशन ना लें, आपको पूरी चस नहीं ब्लॉग की आएगी, आधी चस आएगी, आधी जो है ना नेक्स्ट ब्लॉग में आएगी। गजब टू भी आज आदमी कान वगैरह फिट करवा के आ गए हैं, अभी जा रहे हैं वहाँ पे शॉप पे ही करते हैं स्टिकर निकालते हैं BRT वाला, ठीक है, BRT वाला स्टिकर इंस्टॉल करते हैं। कसम से भाई आपका इतना भी सेटिस्फाई हुआ है ना काम से, काफ़ी महंगा पेपर है लेकिन पेपर बहुत ज़बरदस्त है और जो एहसन भाई ने किया ना इसकी इंस्टॉलेशन, जो इंस्टॉल किया है पेपर लगाया है ब्रिटा पे, इतना अखीर लुक आपके सामने है और जब मैं इसको करवाऊँगा, अभी ये इनकम्प्लीट लुक है, ठीक है, अभी मैंने इसे काफ़ी फनकारी कर दी है। आप BRT वाला स्टिकर निकल रहे हैं, बस वो निकल जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह चलते हैं। शायद की हवा टाइट होती है भाई, थोड़ा सा नीचे आगे स्टार भी तो आएगा ना, हाँ स्टार आएगा, इधर आ जाएगा ना स्टार, बस ठीक है, यहाँ पे फिट है, चेक करें जी। BRT बेस्ट राइडर टीम, कुछ भाई कह रहे थे जैन भाई किस तरह का लिखवाना है, चेक करें कितना प्यारा लग रहा है BRT, और स्टिकर आगे लगेगा ना, वैसे स्टिकर मुझे ब्लैक कलर का लगवाना चाहिए था, वाइट लिखवा दिया हसन भाई, वैसे स्टिकर ब्लैक कलर का ठीक लगता वो स्टार ब्लैक नहीं अच्छा लगना, ब्लैक स्टार नहीं अच्छा लगता, नजर आएगा इस स्टार, वाइट स्टार की वजह से ये BRT लिखा हुआ नहीं नजर आएगा, समझे, ये अट्रैक्ट करता है ना वाइट कलर, अभी इसके ऊपर अट्रैक्ट आ रही है, देखने वाले की नज़र पड़ेगी वाइट के ऊपर, वो ये पड़ेगा कि क्या लिखा हुआ, समझ गया, रैप गैंग बंद हो चुकी हैं, तो एहसन भाई ने बड़ी आज मेहनत की है, बस पैकिंग चेकिंग कर रहे हैं वापस जाने के लिए। तो प्रिंट है ना ये आपको मतलब मिलेगा नहीं कहीं से, रैप जो है ना ये बना बनाया नहीं मिलेगा, तो ये ताबिश भाई ने और एहसन भाई ने बड़ी मेहनत से जो है ना प्रिंट निकलवाया, काफ़ी देर लगी है इस प्रिंट को, तो ये प्रिंट आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, जिस भाई ने आना है स्टिकर प्लानेट ये कार्ड है, रब्ता करें और लोकेशन भी आ रही है, यहाँ पर आएँ काम करवाएं रैप करवाएं, तो आपको मज़ा ना आया तो फिर मुझे मैसेज में बताना कि क्या सीन है, ठीक है, पे बिल्कुल जो कोने कोने है ना वहाँ पे सारी लगी है बेस, ठीक है, बेस लगी है ताकि रैप उखरे ना, काम हमारा कंप्लीट है, ठीक है। और बाइक की ओवरऑल लुक की बात करें तो ये फिल वक्त इतने मज़े की ना, इसके ऊपर अभी मैंने स्टिकर वगैरह और लगवाने हैं, वो कौन से वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा, नंबर प्लेट चेंज करवानी है, बैक लाइट चेंज करवानी है, पुलिस लाइट की जगह और लाइट लगवानी है, काफ़ी काम रह गया है लेकिन माशाल्लाह से ज़बरदस्त हो गया, ऑल क्रेडिट गोज़ टू एहसन भाई, बेहतरीन काम किए थे, तो इंशाल्लाह अब व्लॉग को करते हैं यहाँ पे एंड, ठीक है, अगर अच्छा लगा हो रैप भी अच्छा लगा हो तो लाजमी लाइक करना, इंस्टा पे हो सके तो फॉलो मार देना, इसकी रील्स वगैरह मैं इंस्टा पे इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, सपोर्ट करना इसी तरह, और टिकटॉक पे भी फॉलो मार लें, इस पर नहीं मारा हुआ, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।